हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे प्रत्यय का सेकंड पार्ट, और इसमें आप ध्यान देने वाली पहले उसमें ही है, हम उपसर्ग कर सके, और इसका जिसने पहले पार्ट कर चुका है तो उसको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमने इसको क्यों काट रहे हम, क्योंकि ये आपदा है। रे यूज किया उपसर्ग में हमने राज के लिए, और प्रत्यय में किया किसके लिए, कार्य के लिए, और आधे रह को अर्थ और अर्थी के लिए, जैसे कि लाभार्थी और लाभार्थ है ना। तो इसलिए तो इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी, ये फोकस करते हैं। लाभ तो इसमें हमने ये रह दे दिया, फिर है शिक्षार्थी है ना, ये ऊपर से नीचे वाला रे, फिर उदाहरणार्थ परीक्षार्थी, फिर इसके बाद पन, इसमें भी एक महत्वपूर्ण है समझने वाले, पन पूरण के लिए यूज करेंगे, ठीक है, इस पर ध्यान गया था। तो यहाँ पर देखना, जैसे कि शांति पूरण, तो शांति पूरण ये है, क्योंकि ये गहरा हो रहा है, ये बन बन रहा है। तो अज्ञान पूरण, ये अज्ञान पूरण, दोष पूरण, ठीक है, इनको छोटा रखना थोड़ा, वीडियो में आपको इसलिए बड़ा दिखा रहा हूँ। अब ये तो हो गया, हम किसके लिए बना रहे हैं, पन के लिए, पन के लिए पूरा वो यूज कर रहे हैं। पर पन भी तो एक शब्द है, तो ये आ गया, तो इसका हम कैसे यूज करेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी इसको छोड़ देंगे, इसके लिए भी हम ये यूज करेंगे, ठीक है, अपना पन। अपना पन यहाँ आप पै को थोड़ा बड़ा रख सकते हो, जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। फिर है पिछड़ापन, पिछड़ापन, फिर पौ है पूरक के लिए, जैसे कि प्रेम पूरक, ये प्रेम पूरक, शांति पूरक, विश्वास पूरक, गंभीरता पूरक, फोकस जा रहा बार बार इसलिए थोड़ा। बै बाज और बाजी के लिए, जैसे बल्लेबाज और बल्लेबाजी, तो यहां पर आप स्वर का ध्यान रखना, ठीक है, बल्ले बाज, बल्ले बाजी, आप यहाँ सवर लगा दो, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना होगा, क्योंकि शब्द तो दोनों ही है, जैसे आतिशबाज आतिशबाजी, तो
ये। हवाबाज। आप कमेंट करना आपका कौन सा फ्रेंड ज्यादा हवाबाज है, ठीक है? धोखेबाजी, इसका भी आप कमेंट कर सकते हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो। पर इन चीज़ों में हम नहीं बढ़ते, हम पढ़ाई करेंगे अपनी और अपना करियर सेट करेंगे। तो हम अब मैं के लिए हमने आत्मा, भूमि और आत्मक, जैसे धर्म आत्मा, तो कहाँ है धर्म आत्मा? ये रहा, तो ये धर्म, और इससे मैं से काट दिया धर्मात्मा। रचनात्मक, रे च न, ये नहीं काट सकते तो इसके नीचे बना दो। मातृभूमि, ये धर्म भूमि, धर्म भूमि, धर्म भूमि और धर्मात्मा में हमने क्या फर्क किया? धर्मात्मा में हमने मैसे काट दिया, भूमि में ऐड कर रहे हैं और आत्मक में नीचे, ठीक है? वैसे आप वाक्यांश के हिसाब से, वाक्य के हिसाब से आप शुद्ध करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। फिर दिस, दस, दिस के लिए जिला, दिस है ना, तो इसके लिए, इससे पहले ऊपर अपना नए वाला रह रहा है तो यही बनता। हम पहले इसके ऊपर हीन और गण के लिए, तो बुद्धिहीन, ये बै को छोटा किया, दै को छोटा किया और नहीं, बुद्धिहीन। कर्महीन, ये सॉरी ऐसे आएगा, कर्महीन, फिर से बना रहा हूँ, कर्महीन। फिर है अर्थहीन, अर्थहीन। फिर छत्तर गण, तो इसमें हमने देखो, यहीं बता देता हूं मैं आपको, न, हीन और गण, मैंने यहाँ पर ये चिन्ह दे रखा है जिससे कि मुझे याद रहे। तो वैसे ही जैसे कि छत्तर गण, ठीक है, सदस्य गण, ये। अब आती है जयपुर, सॉरी दीस, दस दीस, जिला दीस, न्याय, दीस, या फिर देश का एक शब्द चिन्ह ये है खाली, अगर आपको इसको याद कर सकते हो तो। खंड मंडल देश, ये खंड अलग, ये मंडल और ये देश, छोटे छोटा सा। फिर जैसे कि जिला अध्यक्ष, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, दाएं से बाएं कर देना, बस हम अंदर की तरफ बना रहे हैं, दाएं अब बाया कर दिया, बस इतना ही फर्क है। फिर है पै, हमने यूज किया है आधा पै पति के लिए, जैसे कि राष्ट्र,
पति सबा पति उपसभा पति। ये होक नहीं है दोस्तों, फिर से बना देता हूं। ये फिर है न्यायाधिपति, फिर लास्ट के तीन रह गए बंद, बंद मतलब इसमें भी है आधा है ना, तो आधा क्यों हो रहा है दय के लिए, वो हम चल बंधु बंदी और बंद दोनों के लिए यूज करेंगे। जैसे राष्ट्र राष्ट्र बंधु, ठीक है ये भी थोड़ा बड़ा होगा, भाई बंदी, पाबंद जो अलग बनेगी भी अलग बना दो, दीन बंदो। तो ये थोड़ा फोकस करके है, ये दिन और ये बंदो दीन बंदो। उसके बाद है आद्य जय के लिए, जाति और जात के लिए, जैसे कि उपजात, जन जात, जन्म जात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। इसके बाद है वह तव के लिए, जैसे कि नेतृत्व, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि तव, मातृत्व, सती तव, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की वीडियो। अब आपने देख लिया हो उपसर्ग में स्टार्टिंग में आ रहा था तो शब्द चेंज हो रहा था, प्रत्यय में अंत में आ रहा है, तो इसके बाद आप गैस करना कि कौन सा चैप्टर आएगा, ठीक है। तो कमेंट करना उसके बाद, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।